हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कुछ दुपट्टे की फैब्रिक दिखा रही हूँ, मतलब दुपट्टे दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं भी काम करती हूँ। बट मुझे भी इतने इन्वेस्टमेंट तो मैं भी नहीं कर सकती कि हर बार मैं जाके कुछ नया लेके आती हूँ, कुछ नया लेके आऊँ। तो कुछ ऐसे दुपट्टे आपको, अगर आप खरीदते हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो कुछ ऐसे दुपट्टे में आपको करना चाहिए जो आप इन फ्यूचर कभी भी किसी के साथ भी कंबाइन कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो उसी पे मैं आपको अपनी जितने भी कलेक्शन है, 7-8 जो मेरे पास है, मैं जो रखती हूँ दुपट्टे, वो उसके मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको दिखा रही हूँ, उसकी प्रॉपर डिटेलिंग दिखा रही हूँ कि किस तरीके के दुपट्टे हैं मेरे पास। और अगर आपको इन सब में से कुछ भी ऐसा मार्केट में मिलता है, तो आपको एक आइडिया रहेगी कि अगर आप इस तरीके के दुपट्टे खरीदते हो तो ओवरऑल उसकी लुक कैसी आएगी। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आजकल चिकनकारी बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक चिकनकारी दुपट्टा। और चिकनकारी में व्हाइट जो है वो सबसे ज्यादा मतलब डिमांड में होती है फैब्रिक, इसीलिए मैं ये पिंक पे लेके आई हुई हूँ। ये पिंक पे मतलब थ्रेड वर्क है, ये पिंक दुपट्टा है और इस पे पूरे पे लखनवी वर्क है। मैं आपको दिखाती हूँ, और ये मशीन वर्क है, नॉट हैंड वर्क है। तो ये इसकी बॉर्डर है और ये पूरी बीच की मिड पोर्शन है और साइड में ऐसे है। तो ये दुपट्टा एक्चुअली बहुत ही ज्यादा यूज किया। आप ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से ये है इस दुपट्टे की पूरी कॉम्बिनेशन। तो आपको एक आइडिया मिलती जाएगी इस लुक से कि आपको अगर आप इस तरीके के दुपट्टे खरीदते हो तो वो कैसी दिखेगी। तो ये हो गई इस दुपट्टे की बात। और आप साइड भी रख सकते हो, और लखनवी अगर ड्रेस कोई भी सिलवाते हो तो आप इसके साथ इजिली इस तरीके के दुपट्टे आप यूज कर सकते हो। और इसकी विड्थ जो होती है वो 37 इंच होती है, और जो लंबाई होती है वो 2.5 मीटर होती है। तो इस तरीके के दुपट्टे की एक लुक आपको एक आइडिया मिल रही होगी। अब मैं आपको दूसरे दुपट्टे दिखाती हूँ। और इस तरीके की चिकनकारी दुपट्टा एक कलरफुल आपको पक्के से अपने एक कलेक्शन में रखना चाहिए, जिसको आप बहुत अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग फैब्रिक के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हो। तो ये हो गए इस दुपट्टे की बात। अब मैं आपको दूसरे जो दुपट्टे हैं वो दिखाती हूँ। जैसे मैंने अभी ये वियर किया है, इसको मैंने बहुत, आपको एक कॉम्बिनेशन भी समझ आ रही है, बट मैंने इसका एक और अपने लिए रखा है, वो ये डिजाइन में देखें। इसमें ना गोल्डन और स्काई है, इसमें कोई कलरफुल नहीं है। तो ये मैं इसलिए रखी हूँ कि अगर कोई भी ऐसा गोल्डन ब्लाउज है और उसके साथ कोई स्कर्ट अगर प्लेन में कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, तो मुझे ज्यादा ना ढूंढना पड़े कि मैं उसके साथ कैसा करूंगी। तो ये दुपट्टा मैंने रखा है और ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, देखिए ये है इस दुपट्टे की पूरी डिटेलिंग। और मैं आपको थोड़े पास से भी दिखा रही हूँ, तो आपको एक आइडिया मिलेगी कि ये किस तरीके से, ये देखिए इसमें ये बड़े बड़े फ्लावर हैं जो कि जरी का है। और इसको थोड़ी सी फिनिशिंग करूंगी इसके एजेस को, जैसे इसमें आप देख सकते हो ये प्रॉपर फिनिशिंग है, ठीक है। ऐसे ही ये भी प्रॉपर फिनिशिंग होगी। और ये है इस दुपट्टे की पूरी कॉम्बिनेशन, देखो। तो आप इसको भी मैं ऐसे रख के दिखा रही हूँ। ये सब बहुत जॉर्जेट के जो भी दुपट्टे होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत इजी कैरी होते हैं, देखिए आप इस तरीके का। और आप इसके साइन को भी देख सकते हैं, ये देखो। तो आप कोई भी ऐसा सूट सब अगर डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको इस तरीके की एक दुपट्टा मतलब अपने कलेक्शन में आपको रखना चाहिए। ये सब मैं इसीलिए आपको आइडिया दे रही हूँ कि ये सब दुपट्टे अगर आपको लगता है कि यू मस्ट हैव 7-6 दुपट्टे, अगर आप शौकीन हो ड्रेसेस लहंगे वगैरह पहनने के लिए, तो इस तरीके के दुपट्टे आपको मस्ट हैव कलेक्शन में पक्के से रखना चाहिए। तो ये है एक इस दुपट्टे की बात। अब मैं हम तीसरी आपको दिखाती हूँ, वो ये ब्लैक है, ठीक है। और ये ब्लैक एक्चुअली ये अभी मतलब उतनी ज्यादा फिनिश नहीं है, थोड़ी अनटच्ड है। जब ये प्रॉपर फिनिशिंग में जाएगी तो कुछ इस तरीके से होगी इसकी बॉर्डर, देखिए। और जैसे मैंने पिंक ब्लाउज पहना है, मान लो मैं किसी के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, तो मैं ये भी डाल सकती हूँ अगर ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन करना है, क्योंकि आप इस पे देख सकते हो इसमें मल्टी वर्क है, मल्टी वर्क भी है इसमें, पिंक भी है, और तो पिंक के साथ इजिली जा रही है। तो इस तरीके से ये दुपट्टा है, और इसमें छोटे छोटे बूटियां आप देख सकते हो। बट इसके ना दो दो एजेस पे वर्क होती है, और मतलब दो जो मतलब ये है फिनिश्ड है, इसमें मैं थोड़े से बॉर्डर ऐड कर लूंगी तो ये भी दुपट्टा हो जाएगी। और ये दुपट्टा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और इसकी सबसे अच्छी बात चौड़ाई भी बहुत है, ये देखो, ये हो जाएगी इस दुपट्टे की। तो ऐसा भी दुपट्टा अगर आपको लगता है ये बहुत इजी गोइंग है, आप नॉर्मल कॉलेज वगैरह में भी आप इजिली जा सकते हो, तो इस तरह के दुपट्टे आपको मस्ट हैव बाई वाले में ऑप्शन में रखना चाहिए। आप ये देख सकते हो, तो ये हो गई इस दुपट्टे की बात। अब मैं आपको जो अपनी दुपट्टे कलेक्शन में एक 3D है,
ये मेरी अभी तक की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव दुपट्टा है। दुपट्टा नहीं है, ये 2.5 मीटर की फैब्रिक है। इसको मैं एज ए दुपट्टा ही यूज करती हूँ। अगर कोई भी ऐसा सूट हो, ड्रेस हो या लहंगे वगैरह हो, जिस पे मुझे बहुत ज्यादा खर्च नहीं करनी, और थोड़ी हैवी भी है, ये पूरी हैंडवर्क है, मैं आपको पास से दिखाऊंगी। तो देखो एक्चुअली ये पूरी फैब्रिक ऐसे है। अब आप पास से देखो, पास से देखोगे तो इस पे 3D वर्क है, ये देखो, और पूरी हैंडवर्क भी है। ये मोती और ये सारे लगे, पूरे हैंडवर्क है इसमें, और इसकी ना ऐसे मतलब एजेस भी ऐसे बने हुए हैं। तो ये बहुत कॉस्टली फैब्रिक थी, ये बस मैं अपने दुपट्टे के लिए लेके आई थी। एक्चुअली 2.5 मीटर फैब्रिक ही लाई थी, जिसको मैंने एज ए दुपट्टा ही रख लिया है। तो अगर कभी भी ऐसे यूज करना हो तो मैं ऐसे यूज कर सकती हूँ। ये देखो, स्पेशली जब रेड कलर की मैं अगर कोई अनारकली वगैरह एक बनवाने वाली हूँ, उसके साथ ये दुपट्टा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। वो प्लेन जॉर्जेट की अनारकली होगी और उसके साथ इस तरीके के दुपट्टे। तो आपको इस तरीके की अगर कोई भी फैब्रिक आप एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके की दुपट्टे में आपको फॉर श्योर करना चाहिए। तो ये हो गई इस दुपट्टे की बात। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये बहुत ही सुंदर लगेगी इस तरह की। तो कोई भी 3D फैब्रिक आप बता दिखा रहा हूँ, मेरी बहुत ही फेवरेट दुपट्टे थी इस सीजन, जो भी विंटर सीजन गई उसके लिए। तो मैं जो भी मुझे पसंद आती है, मैं कस्टमर को जब देने के बाद अपने लिए एक जरूर रखती हूँ, वो ये है। ये भी बहुत खूबसूरत है, इसको मैं पास से दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, स्टोल के जैसा आप रख सकते हो, आप देख सकते हो, बस 36 इंच ही चौड़ी है। बट इसकी जो वर्क है, आप यहाँ से देखो, ये एक मतलब एक पूरी सिक्विन की फ्लावर है, इधर भी सिक्विन है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो मतलब वेलवेट का भी दुपट्टा, अगर आप चाहते हो कि आप विंटर सीजन में कुछ थोड़ा सा मतलब अच्छा हैवी आप रखना चाहते हो, तो आप रख सकते हो। मैं इस तरीके से इस दुपट्टे को दिखा रही हूँ आपको। ये देखो, ये है पूरी दुपट्टे की कॉम्बिनेशन, जो आप इजली यहाँ से देख रहे हो, और इस तरीके से आपको ये दुपट्टा रखनी है। आप ये देखो, ज्यादा आपको मतलब ये खुल के ही रहेगी, आपको कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये दुपट्टा रहेगी आपकी। तो आप कोई भी मरून वगैरह सूट बनवाते हो, कुछ ऐसा सूट बनवाते हो जिसपे इस तरीके के दुपट्टे जाए, तो आपको मस्ट हैव कलेक्शन में एक वेलवेट दुपट्टा रखना चाहिए। उसमें से इस टाइप के दुपट्टे हैं, जो हैवी भी है और बहुत लाइट वेटेड भी है। ऐसा नहीं है बहुत हैवी है, दिखने में हैवी भी है और लाइट वेटेड भी है। तो ये भी एक ऑप्शन हो जाएगी आपके लिए। अब मैं आपको प्योर बनारसी जो जॉर्जेट होती है उसमें दिखा रही हूँ। ये पिंक के साथ, पहले आप ये कलर देख ले, ये डबल शेड पे है और पिंक के साथ ना ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली मेरे पास सेम पैटर्न पे ना एक लहंगा है, ब्लाउज और लहंगा, उसके साथ मैं ये दुपट्टा को लेके आई हूँ। और ये दुपट्टा बहुत ज्यादा ही अच्छी है। ये देखो, इसमें चार मतलब आप देख सकते हो, हाफ हाफ पैटर्न आपको दिख रही है। ये बॉर्डर भी है इसमें, और ये है, और ये बहुत चौड़ी और बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। ये सब बहुत मतलब ऐसे दुपट्टे ना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, कि अगर आप ऐसे दुपट्टे खरीदते हो, जैसे ये रेड और पिंक है, और जो कि रेड और पिंक का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप ऐसे कुछ भी देख रहे हो, आप देखो, आप कोई भी प्लेन सूट बनाते हो, अगर इस तरीके के आपके पास दुपट्टा है, तो आप कितना मस्त लगोगे। देखो इतनी खूबसूरती से, मतलब आपकी प्लेन भी सूट है तो उसको कोई इतना ज्यादा मतलब आई कैचिंग नहीं रहेगा जितना आपको ये दुपट्टा रहेगा। तो इस तरीके के दुपट्टे अगर मिलते हैं, और बहुत सॉफ्ट है, सबसे अच्छी बात है इसकी जो जड़ी है ना, वो बिल्कुल नहीं चुभती है। तो ये सब मेरे पास से सारे सोल्ड आउट है, ये सब एक एक सैंपल जो मैं खुद के लिए रखी हूँ, कि हाँ मुझे भी अगर कहीं जाना है तो मेरे पास रहे। तो ये सब मैं उसी में से लेके आई हूँ। तो ये सब आपको कहीं भी मिलेगा मार्केट में, रेट वेरी कर सकती है प्लेस टू प्लेस, उसको मैं नहीं कुछ कर सकती, लेकिन आपको एक आइडिया रहेगी कि ये सब अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट वाली दुपट्टे हैं, बट बहुत अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक साथ सारे करे हैं, बहुत सालों से मैंने करते करते अभी मेरे पास इतने कलेक्शन हो गए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हो गए इसका, ठीक है। अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो ग्रीन बनारसी दुपट्टा है, और इसके ना बहुत सारे मतलब बहुत सारे कॉपियां हैं, बहुत सारे डिजाइन है इसके मार्केट में, बट ये जो है मेरे पास ये सबसे प्योर वाली है। प्योर इसलिए क्योंकि इसकी गोल्डन की शाइन भी आप देख सकते हो, और प्लस पीछे की वर्क भी आप देख सकते हो, और ये बहुत मतलब बहुत चौड़ी बहुत अच्छी दुपट्टे में से एक है। आप कुछ इस तरीके से इसको आप रखोगे ऐसे। तो अगर कोई भी ऐसा दुपट्टा आप रखना चाहते हो, तो बनारसी में इस तरीके के दुपट्टे आप मस्ट हैव में से खरीद के रख सकते हो। ये प्रॉक्स मुझे 850 की पड़ी थी, हाँ,
और मैंने आपको पहले बताया है कि मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके से आती है, लेकिन मुझे लगता है बनारसी दुपट्टा बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं लेना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लेना चाहिए, वैसा फैला सा रहेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट क्वालिटी आपको लेना चाहिए, जो आप थोड़े इजी मतलब इजी कैरी हो, ऐसे हार्ड सा ना हो। वैसे भी बनारसी थोड़ी सी ऐसे पुलिसी रहती भी है, बट उसी में मैं बोल रही हूँ क्वालिटी टू क्वालिटी डिपेंड होती है। ये हो गई एक इस तरीके के दुपट्टे आपको रखनी चाहिए जो कि कुछ ऐसे दिखेगी, देखो ठीक है, ये हो गई। अब मैं आपको दुपट्टे जो दिखा रही हूँ वो मेरी ये पिंक कलर की है, ये बहुत ही खूबसूरत मेजेंटा पिंक होती है ना, वो पिंक है, और ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं आपको एक इमेज भी ऐड कर दूंगी जब मैंने इसे वियर किया था, लाइट पिंक कलर के साथ मैं ये डार्क पिंक मतलब पहनती हूँ, और इसको मैंने ऐसे बीट्स लगवा लिया। अब ये देखिए, क्योंकि साइड एजेस को मुझे थोड़ी फिनिशिंग में लानी थी तो मैंने इस तरीके से इसमें मतलब बीट्स ऐड कर लिया है, जो कि अब इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से हो गई है। देखो आप, ये हो गई इस दुपट्टे की बात, जिसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो थोड़ी पतली दुबली भी हूँ, अगर थोड़ी सिर्फ कोई हेल्दी है ना, वो इस तरीके के दुपट्टे रखेंगे ना, वो और सुंदर लगते हैं, क्योंकि उनपे ना सारी चीजें खिल के आती है। ये देखो, ये भी एक इस तरीके के दुपट्टे आपको मस्ट हैव में रखनी चाहिए, ये बनारसी दुपट्टे। और अब मैं आपको एक रेड दुपट्टा दिखा रही हूँ जो कि बहुत हैवी है और बहुत अच्छी है। अगर आपको लगता है कि आपको एक रेड दुपट्टा रखना है और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अगर पूजा पाठ में यूज करना है, तो आपको इस तरीके से एक रेड दुपट्टा रखना चाहिए। देखो आप, इसको नीचे मैंने इस तरीके से थोड़े से डिटेलिंग कर दी है, ये देखो इसकी ये लेंथ भी बड़ी हो गई है और थोड़ी हैवी भी हो गई है ये। तो अगर लगता है कि अगर आपको थोड़ी सी हैवी दुपट्टा रेड कलर में चाहिए, तो आपको इस तरीके से स्टोन वाली लेस रेड दुपट्टा आपको एक बनवानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और आपको अपने वार्डरोब में रखनी चाहिए पक्के से। तो ये देखो, ये दुपट्टा है रेड कलर की, जिसको मैं ऐसे करके रख के दिखाती हूँ आपको। ये सब थोड़ी सी हैवी है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। ये हो गई एक दुपट्टे की बात। अब मैं आपको जल्दी जल्दी दो तीन और दिखा देती हूँ। ये देखो, एक वाइट है मेरे पास बनारसी में। ये सब मैं जो बनारसी का खरीदती हूँ ना, वो थोड़ी स्टोल जैसा ही खरीदती हूँ, बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं खरीदती हूँ। ये देखो, ये बहुत सॉफ्ट है, सबसे प्योर वाली बनारसी दुपट्टा है ये मेरी। ये मतलब इतनू पतलू सी जो है वो मुझे शायद 850 या 950 की पड़ी है, क्योंकि ये प्योर थी और भी मुझे सैंपल पीस मिली है। तो कुछ इस तरीके से ये जाएगी, ये हो गई। मतलब कोई भी ऐसा बनारसी सूट या कोई ऐसा ऑफ वाइट गोल्डन का कॉम्बिनेशन का अगर आपके पास सूट वगैरह, तो आप इस तरीके के दुपट्टे रख सकते हो। तो ये है एक दुपट्टा, ये देखिए। अब मैं आपको एक मिरर वर्क दुपट्टा दिखा रही हूँ, एक नहीं एक साथ तीन दिखा रही हूँ। ये मेरी सबसे फेवरेट और सबसे पहले दुपट्टा है, जो कि कुछ इस तरीके से है। आपको मैं पास से दिखाऊंगी तभी आप समझोगे। ये देखो, इसमें ऐसे मिरर मैंने ये बॉर्डर लगवाई थी, और ये जितने भी आपको फैब्रिक में डिटेलिंग दिख रही है ऑलरेडी थी, मैंने इसमें ये नहीं है, इसमें मैंने मिरर नहीं लगवाया है। तो कुछ इस तरीके से ये दुपट्टा है पूरे मिरर वर्क के साथ, बट ये अब नहीं है, क्योंकि जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि ये मेरी कलेक्शन है, ये मेरी कलेक्शन है, एक्चुअली क्या हो जाती है, जब अपन बहुत सारा सेल करते हैं तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई फैब्रिक पे डिफेक्ट हो ही जाता है, जिसको मैं सेल नहीं करती हूँ और उसको खुद के लिए रख लेती हूँ। तो इसके साथ भी वही है कि इसमें कट हो गई थी, इसके बाद मैंने इसको खुद के लिए बनवा लिया था। तो देखो, कुछ ये है दुपट्टा, और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मतलब मस्त दुपट्टा है। अगर कोई भी ऐसा सूट हो जिस पे आपको इस तरीके से मिरर दुपट्टा जाए ना, आपको मस्ट हैव से एक बनवानी चाहिए। मेरे पास तो ना ही फैब्रिक है ना ही बॉर्डर है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरी बहुत ही फेवरेट गोटे वर्क वाली मिरर दुपट्टा है। मैं आपको एक गोल्डन दुपट्टा भी बनी नहीं है, बट बनेगी तभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो, ये सिक्विन फैब्रिक के साथ है। अब ये देखो, अब देख सकते हो कि इसमें कितने अच्छे से वर्क है। तो इसको ना मैं रेड बॉर्डर के साथ रखी हुई हूँ कि मैं बनवाऊंगी, बट पता नहीं कब बनवाऊंगी अब। तो ये है उस दुपट्टे में से, जो कि एक गोल्डन दुपट्टा सबको सबके पास होनी चाहिए। तो ये मैंने रखा है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हो कितने इजिली रखा हुआ है। तो ये मैं गोल्डन दुपट्टा एक बनवा रही हूँ, ये भी आपको एक गोल्डन दुपट्टा मस्ट हैव में रखनी चाहिए। और दो ऐसे मिरर वर्क मैंने आपको बहुत सारे दिखाए हैं, जो कि प्लास्टिक मिरर है, जिसके दोनों साइड मैंने
ये मिरर लगा रखे हैं, देखिए आप खुद ही देख सकते हो कितनी ज्यादा मस्त दुपट्टा है। तो आपको ना पिंक कलर की और ये पिस्ता दो कलर में दिखा रही हूँ, ये मेरे मैंने खुद के लिए रखा है, ये देखो इसमें भी मैंने ऐसे बॉर्डर लगा रखे हैं। तो ये दो दुपट्टे हैं, इसके कलर्स आप इंस्टा पे चेक कर सकते हो, बहुत सारे कलर्स मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये है एक दुपट्टा और ये है पिंक दुपट्टा जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आप ये देखो। और इसको मैंने चार तरीके से मतलब चारों तरफ बॉर्डर है, इधर भी बॉर्डर है और यहाँ भी बॉर्डर है, आप खुद ही देख सकते हो। और ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो अब तो मेरे पास जो जितने कलर्स है मैंने ऐड कर दिए हैं, लेकिन अब पिंक तो नहीं है मेरे पास, पिस्ता शायद होगी, जो ये पिस्ता कलर है ये शायद होगी, और एक ये है पिस्ता कलर। इस तरीके के दुपट्टे आपको अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो और थोड़ा सा हैवी रखना चाहते हो तो इस तरीके के दुपट्टे आपको रखने चाहिए। ठीक है, ये हो गई इस दुपट्टे की बात। अब जल्दी से मैं आपको एक और 3D दुपट्टा दिखा रही हूँ, ये देखो ये मैंने एक वाइट 3D दुपट्टा रखा अपने लिए। इसमें 3D इसलिए क्योंकि इसके जितने भी फ्लावर है आप देखोगे ये नीचे की तरफ ऐसे ढलती सी रहती है। यहाँ से मैं आपको इसकी पूरी डिटेलिंग दिखा पाऊंगी, इस तरीके से है। और ये जब आप प्रॉपर इसको किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ वेयर करोगे तब आपको एक आइडिया मिलेगी कि ये दुपट्टा कितनी ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ से देखो इस तरीके से ये दुपट्टा है, इस तरीके के दुपट्टे भी आपको पक्के से लेनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको अपनी 3D दुपट्टा दिखा रही हूँ जो कि मैंने बहुत दिनों से ये फैब्रिक रखा है और अभी तक बनवाई नहीं हूँ। और ये बटरफ्लाई आपको इजीली भी मिल सकती है, बट ये सबसे महंगी और सबसे सॉफ्ट बटरफ्लाई है जो बहुत पहले आई थी, 2017 की बात कर रही हूँ मैं, उस समय से मैंने ये फैब्रिक खरीदा है और अभी तक इसको रखा है क्योंकि ये मुझे कलर बहुत पसंद है, एक्चुअली ये कलर मिलती नहीं है। तो ये भी इस तरीके के दुपट्टे आप रख सकते हो जो कि बहुत अच्छी लगेगी, आप तो हर जगह आपको मिल जाती है, लेकिन थोड़े सॉफ्ट लेना चाहिए दुपट्टा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाएगी अगर आप सॉफ्ट क्वालिटी नहीं लोगे तो। तो इतने सारे मैंने आपको दुपट्टे दिखाए जो कि आपको मस्ट हैव में होना चाहिए। तो होप ये आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसमें से आपको और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या देखना है प्लीज आपको बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी बना के ले आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।